नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की मौत को अब 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुके हैं। अखबार और टीवी चैनल इस सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़े तमाम पहलुओं को धीरे धीरे सामने ला रहे हैं। इसी सिलसिले में अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने टीवी कैमरों पर रिकॉर्ड हुए इस हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल उठाती हुई खबर प्रकाशित की है। खबर में बताया गया है कि किस तरह पुलिस की वैन से उतरकर अस्पताल की ओर सिर्फ 7 कदम चलते ही अतीक अहमद और उनके भाई की सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रयागराज स्थित कॉल्विन अस्पताल के मुख्य द्वार के बमुश्किल 7 कदम दूर जमीन पर ब्लीचिंग पाउडर के 2 सफ़ेद चकते देखे जा सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को जमीन पर बहे खून के धब्बों को छिपाने के लिए डाला गया है। इसी जगह पर चौक से बनाए 19 गोले दिखाई देते हैं, जिसने इस हत्याकांड के दौरान चलाई गई गोलियों के छर्रे मिलने की जगह रेखांकित की तरफ से बनाया गया है। इस जगह से अस्पताल की दूरी मात्र 13 कदम थी, लेकिन अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ बीते शनिवार की शाम ये दूरी तय नहीं कर सके। यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लगभग 20 पुलिसकर्मियों की एक टीम अतीक अहमद और उनके भाई को नियमित मेडिकल जांच के लिए रात लगभग 10 बजे धूमलगंज पुलिस स्टेशन से लेकर निकली थी। पुलिस की 2 गाड़ियों में सवार इस टीम को कॉल्विन अस्पताल तक पहुंचने के लिए मात्र 7 किलोमीटर का सफर तय करना था। इसे लगभग 20 मिनट में पूरा किया गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों की गाड़ियां पुलिस वैन के आगे पीछे चल रही थी और जैसे ही अतीक अहमद और उनके भाई को पुलिस के वैन से बाहर निकाला गया, वैसे ही मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया। पुलिस कर्मियों के इशारे पर अतीक अहमद और उनके भाई ने कुछ और कदमों का सफर तय किया। कुछ कदमों बाद ही मीडिया कर्मियों ने एक बार फिर उनसे सवाल पूछना शुरू किया। इसके बाद अशरफ ने एक सवाल का जवाब देना शुरू ही किया था कि 3 हमलावरों ने अतीक अहमद के सिर पर सटाकर गोली चला दी। इसके बाद अशरफ के सिर पर भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। लगातार कई राउंड गोलियां चलाने के बाद इन हमलावरों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए, अपने हथियार जमीन पर फेंक कर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन पुलिस जिस तरह से अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद को मेडिकल जांच के लिए देर शाम अस्पताल लेकर गई, उस पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस ने देर रात अस्पताल लेकर जाने के फैसले की वजह बताते हुए कहा कि अतीक अहमद डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीज थे और उन्हें शुक्रवार को भी अस्पताल लेकर जाया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार सुबह अतीक अहमद ने तबीयत खराब होने की बात कही, जिसके बाद हमने लॉकअप में डॉक्टर भी बुलाया। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों का कहना है कि दोषियों की मेडिकल जांच उसी सूरत में की जाती है जब इसके लिए लिखित आदेश मिले हो, जो अदालत के मुताबिक अनिवार्य हैं। हालांकि यूपी पुलिस से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि दोषियों को हमेशा अस्पताल ले जाना जरूरी नहीं होता है और संवेदनशील मामलों में डॉक्टरों को जरूरी उपकरणों के साथ लॉकअप बुलाया जाता है। एक अधिकारी ने कहा कि कई मामलों में दोषियों को इतनी गोपनीयता के साथ अस्पताल ले जाया जाता है कि किसी को दोषियों की मूवमेंट की खबर भी नहीं लग पाती। कुछ अधिकारियों ने 26/11 हमले के दोषी अजमल कसाब का उदाहरण देते हुए बताया कि जब मुंबई क्राइम ब्रांच कसाब को जेजे अस्पताल लेकर जाती थी तो मीडिया को इसकी भनक भी नहीं लगती थी। ये संभव है कि हमलावर अतीक को अस्पताल ले जाए जाने पर नजर रखे हों और वे घटना के दिन मीडिया कर्मी बनकर कैमरे, फर्जी माइक और फर्जी आई कार्ड के साथ पूरी तैयारी से हो। यूपी पुलिस के पूर्व DGP प्रकाश सिंह ने कहा कि पुलिस की पहल चूक ये है कि दोषियों को किसी भी मीडिया से मिलने नहीं दिया चाहिए था। अस्पताल पर यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये फर्जी रिपोर्ट फर्जी ID के साथ आए थे तो उनकी पहचान करना पुलिस का काम था। अगर आप किसी को भी आने जाने देंगे तो ऐसी घटनाएं होंगी, और जब पुलिस कस्टडी में मरता है तो इसका मतलब ये है कि पुलिस ने कानून व्यवस्था भंग होने दी है। पूर्व DGP ने हमलावरों की तैयारी पर ध्यान खींचते हुए कहा कि ये हमलावर गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन वे तुर्की में बने हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। एक एक पिस्टल की कीमत 7 लाख रुपए तक है और एक कारतूस 250 रुपए है। वे जिस तरह से गोली चला रहे थे वो बताता है कि उन्होंने इसका काफी अभ्यास भी किया होगा। देखिए, यहाँ पर तो है इस पूरे मामले को लेकर के अब अलग अलग रूपरेखा तैयार हो रही है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप उस पूरे रिपोर्ट को देखने के बाद क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल अभी के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।